हेलो नमस्ते, मैं डाइटिशियन अंकिता मिश्रा, मैं फातिमा हॉस्पिटल में आहार विशेषज्ञ हूँ। आज हम डायबिटीज या मधुमेह के बारे में और उसमें लेने वाले आहार के बारे में चर्चा करेंगे। मधुमेह रोगी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डायबिटीज की वजह से बहुत तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड बीमारी, आँखों में कमजोरी आ जाना जिससे मोतियाबिंद होने का खतरा बढ़ जाता है, और टीथ कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फूड जो होता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट को अपना शुगर लेवल कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 70% रोल आहार का तो होता ही है, पर साथ में लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर एजुकेशन दवाओं के लिए और आहार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डायबिटीज पेशेंट को लो कैलोरी डाइट, हाई फाइबर डाइट एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेने चाहिए। लो ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स वो होता है जो फूड हम लेते हैं उसको पचाने में हमारा शुगर लेवल कितनी तेजी से बढ़ता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मापन है कि हमारे शुगर लेवल को किस तेजी से वो बढ़ाता है या घटाता है। इस वजह से हमें वो फूड अवॉइड करने चाहिए जिनको खाने से हमारा शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। शुगर पेशेंट को 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है जिससे उनका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। सबसे पहले है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो खाना होता है उसकी हम किस पोर्शन, उसका पोर्शन साइज क्या होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा खाना है दाल चावल रोटी सब्जी, तो हमें उसमें अपना दाल सब्जी और जो सलाद होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। हमें दिन में एक बार फल जरूर लेने चाहिए, और हमारा जो गेहूँ होता है और जो चावल होता है उसकी जो मात्रा होती है वो कम होनी चाहिए, और जो उसकी गुणवत्ता होती है, जैसे कि हमें पैक्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कैंड फूड होते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए, हमेशा जो ताज़ा भोजन होता है, जो घर पे बना भोजन होता है उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, हमें खाने का सही समय हमारा जरूरी है कि हम दिन का खाना, रात का खाना और सुबह का नाश्ता समय पे लें। बहुत बार देखा गया है कि लोग अपने खाने को स्किप कर देते हैं, जैसे कि दिन का खाना नहीं खाया या रात का, या मोस्टली लोग जो होते हैं वो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हम हाई कैलोरी फूड कंज्यूम कर लेते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से दिन का खाना, रात का खाना और जो नाश्ते का समय होता है वो समय समय पर लें, और उसके बीच के अंतराल पर आप होममेड नमकीन, जो चूड़ा भुजा, ये मखाने जो होते हैं, बीच में फ्रूट्स का भी सेवन आप कर सकते हैं। इस तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट होता है कि कुकिंग मेथड, हम कौन सा भोजन किस प्रकार बनाते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम चावल बनाते हैं, चावल कंज्यूम करते हैं, तो उसको हमेशा उसका मार निकाल करके, उसका स्टार्च निकाल करके हमें बनाना चाहिए। आलू, हमेशा उबले आलू का सेवन करना चाहिए। दूध को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालना चाहिए जिससे उसके कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को हमेशा धोकर उसके बाद काटना चाहिए जिससे उसके विटामिन मिनरल्स सेफ रहें। हमेशा लो ऑयल फूड का यूज़ करना चाहिए, और हमें अपने खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, जैसे कि ज़्यादा देर तक रोस्ट करके, भून करके नहीं पकाना चाहिए मोस्टली सब्जियों को, जिसकी वजह से उसके विटामिन और मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड, एंड थर्ड इज कुकिंग मेथड। इसके अलावा हमें अपने कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रेफरेंस में रखनी चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट को, वो इम्पॉर्टेंट है। मल्टीग्रेन चपाती, जैसे कि हम कई तरह के आटे को यूज़ करके उसकी रोटी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें रेसे ज़्यादा होते हैं, हाई फाइबर रिच डाइट होता है, और वो हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है, हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे जितने भी तरह के साग होते हैं, जैसे कि मेथी, चौलाई, पालक, इसको हमको अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें सोडियम मेंटेन होता है, और ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। हमें अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो भी खट्टे फल कहे जाते हैं, वो शामिल करना चाहिए, जैसे कि संतरा, अनानास, नींबू, कीवी, ये सारे फ्रूट्स हमको जरूर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये विटामिन सी रिच होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और जो नहीं लेने चाहिए फ्रूट्स, उसमें आते हैं बनाना, मैंगो,
चीकू, सीताफल या शरीफा भी उसको बोलते हैं, ये फूड्स हमें टोटली अवॉइड करने चाहिए। जो बाहर के पैकेट के फूड होते हैं, जो मैदा होती है, वो भी अवॉइड करने चाहिए। ज्यादातर जब हम कोई भी पैक्ड फूड खरीदते हैं तो हमें उस पे लेबल या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसमें सामान होते हैं कि उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है उसको बनाने में, वो हम देखते नहीं है, उसको हम ध्यान नहीं देते, पर वो जरूर मेंशन होना चाहिए। जैसे कि ब्राउन ब्रेड होता है, ब्राउन ब्रेड मोस्टली शुगर पेशेंट कंज्यूम करते हैं, जबकि उसमें शुगर इंक्लूड होता है। इसी तरह से जैसे कि हम मैदे के अलावा हम गेहूं की वाली चीजें ले सकते हैं, जैसे कि हम डाइजेस्टिव फूड या कोई भी तरह की बिस्किट ले सकते हैं जिसमें गेहूं की क्वांटिटी ज्यादा हो, मैदा की क्वांटिटी कम हो। हम उसके अलावा घर का बना होममेड नमकीन ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, ये सारी चीजें हमको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। और इसकी क्वांटिटी, जैसे कि जो भी फ्रूट्स आपको अवॉइड हैं उसकी जो क्वांटिटी अगर आपको कंज्यूम करनी है तो वो हमेशा आपकी काउंसलिंग के द्वारा ही बताई जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी डेली रिपोर्ट के, आप जो डेली मॉनिटरिंग करते हो अपना शुगर लेवल, उस पे भी डिपेंड करता है। इन सब के बावजूद दवा और आहार का सेवन और उसकी मात्रा हमेशा अपने डॉक्टर और अपने आहार विशेषज्ञ की सलाह के द्वारा ही लें। अधिक जानकारी के लिए फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर में संपर्क करें। थैंक यू।